घर में बरामद हो रहा है गाजा अगर आप थोड़े टाइम इनके पीछे ट्वीट और पीछे इंस्टाग्राम पोस्ट देखो तो मैडम ने खुद पोस्ट किया है कि इन सब चीजों का सेवन सही नहीं है इन सब चीजों को बॉयकॉउट करना चाहिए हमें इनका लत नहीं पकड़ना चाहिए इनकी आदत बुरी है इनको बॉयकआउट करो और खुद मतलब आप गांजा ड्रग्स ले रहे हो और सामने आप पब्लिक को मना कर रहे हो तो मतलब तो क्लियर है ना कि आप बहुत बड़े दोगले हो बिल्कुल आपने जो बातें बोल रही है उसमें कोई वास्तव मतलब ये दिखा दिया इन लोगों ने कि रियल और रील दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है

में होता भाई है, नशा करना है। तो उम्मीद है कि और भी बड़े बड़े नाम आएंगे। और नया नाम आ सकता है कपिल शर्मा का कपिल शर्मा जो बहुत बड़े अपने आप को बहुत तूफान समझता ना बहुत बड़ा एक ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स जो यही चलाया था इनके कर्म का फल ये खुद तो कहते हैं हम समाज पे हो रहे चीजों पर टिप्पणी करते हैं जो कॉमेडी पे नाम पे फर्ता दिखाते हैं ये लोग समाज के नाम पे जो कहते हैं कि हम टिप्पणी करते चाहे वो लव जिहाद को बढ़ावा देना हो चाहे वो हमारे हिंदू धर्म का तारो तार करना हो चाहे हमारे आराध्य देवी देवता का मजाक उड़ाना जी। जी। हो चाहे इतना ही नहीं चाहे आप देख लो राष्ट्रवादी पत्रकार के ड्रग्स धोखे पे इन्होंने पूरा एक एपिसोड बना दिया मतलब खुद ड्रग्स खा रहे हो मतलब खुद अपने लिए मांग रहे थे हमने तो सोचा तुम अर्ण गोस्वामी का एक नकल उतार रहे हो कहीं ना कहीं वो खुद अपने लिए ड्रग्स दो ड्रग्स जो कर रहे हो क्योंकि वो लोग खुद करते होंगे ना ऐसा तो ये भी बहुत चीजें है मुझे एनसीबी से भी कहीं ना कहीं चीज है कि भारत में चलो ये चीज बहुत अच्छी बात है कि एनसीबी एक्टिव हुई है जी। अब ये है कपिल शर्मा का नाम आएगा कपिल शर्मा का पता है भाईजान प्रोड्यूसर कौन है उसका भाईजान है तो इस तरीके से सलमान खान तक भी पहुंचा जा सकता है तो एक अच्छा ट्रैक है एनसीबी अच्छा काम कर रही है और इससे हम कुछ फ्यूचर का कुछ सोच रहे हैं कि अब

जितना सबूत मिला था दीपिका पादुकोण के लिए कि उनका एडमिन का चैट चैट एडमिन होना इस ड्रग्स चैट का एडमिन होना माल मांगना कि मुझे माल दो इस तरीके के जितने चैट्स मिले थे जितने सारे सबूत मिले थे उतना काफी था उनको हिरासत में लेने के लिए या उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए लेकिन जो एक समन पे बारह लॉयर की टीम बिठा सकता है तो वो बहुत सारी चीजें और भी इकट्ठा कर सकता है और ये बात एनसीबी भी, भी अच्छे तरीके से समझती है कि इन मोटी मछलियों को पकड़ने के लिए मोटे सबूत इकट्ठा करना पड़ेंगे क्योंकि इनके पास पैसे की ताकत जो हम भारत की जनता को बेवकूफ़ बनाकर लूट कर जो इन्होंने संचित किया ना जो इकट्ठा किया है

फूकना तो इनको ड्रग्स ही था दिल्कुल दिल्कुल। तो अब पता है एनसीबी के एनसीबी के रडार पे पूरा बॉलीवुड है एनसीबी के रडार पे पूरे जो नीचे पर्दे वाले हैं ना सारे आ चुके हैं तो अब पता चला मैं सिद्धार्थ जो हम सोचते थे सिद्धार्थ शुक्ला जो कि बहुत ज्यादा बिग बॉस के बहुत बड़े जीजी। चहीते जीजी। थे जीजी। तो हमें लगता था कि यार ये तो सुशांत सिंह राजपूत का बड़ा अच्छा दोस्त है ये क्यों पहुंच गया बिग बॉस को प्रमोट करने के लिए बिग बॉस तो जीत ही चुका है हम भारत की जनता इनको जितवाई है आज क्यों नहीं सोचते ये लोग भारत की जनता के बारे में तो अब हमें पता चला ना चाहे वो सिद्धार्थ शुक्ला हो चाहे वो भारती सिंह हो सबको सलमान खान बचाते हैं

चरस गांजा हर चीज से इनका छेद और सिर्फ ये चीज तो सामने आ रही है अगर एनसीबी के अलावा और सारे इसमें एजेंसी अगर पता करे तो पता करेगा किस तरीके की चीजें होती हैं सिर्फ यहाँ पे ड्रग्स नहीं प्रोस्टिट्यूशन जैसी चीजें भी होती है बहुत ही गंदा और घटिया है ये बॉलीवुड मुझे तो घिन आती है मनीषा और मुझे गुस्सा आता है अपने आप पर कि मैंने अपनी हार्ड अर्न मनी अपनी कमाई हुई पैसे अगर मैं हर वीकेंड का जोड़ू तो आई डोंट थिंक सो मैंने कितने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए इन लोगों पर शायद मैं उस पैसे को अगर सेव करती तो मेरे फ्यूचर में काम आता मैं अपने बच्चे ऊपर स्पेंड कर सकती थी तो डेफिनेटली मैं आज एक मैसेज दूंगी आपके चैनल के माध्यम से जो लोग अभी भी देख रहे वो बॉयकॉट करे क्योंकि भारती सिंह का सामने आना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है कि किसी पे भरोसा नहीं कर सकते बिल्कुल, बिल्कुल। ये मुखौटा जिन लोगों ने पहन रखा है ना चाहे वो नीचे के लेवल से उठ के गया हो चाहे, हो चाहे वो गॉडफादर हो हो चाहे नेपो किड्स सब मिले हुए हैं यार क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं जो लोग उठकर गए ना वो भी इन्फ्लुएंस हो चुके हैं चाहे इनके बराबर में अपना लेवल बनाने के लिए आपने देख लिया होगा सुशांत सिंह राजपूत जो इतना सच्चा कट्टर सनातनी था जो शिव शंकर आराध्य देवता का इतना बड़ा भक्त था उसे भी दबाव में आकर अपने नाम के पीछे से राजपूत हटाना पड़ा क्यों क्योंकि इनके जैसा होना चाहता था वो क्योंकि इनके वक्त इन... और अंत में उनको पता चल गया इनके जैसा होकर मतलब अपने जमीर को मारना फिर उसने सोचा कि नहीं इनको एक्सपोज़ करो और जब कोई इनके जैसा नहीं हो सकता नहीं। कोई अगर इनको एक्सपोज करने की सोचता है या इनसे बाहर निकलने की कोशिश करता है तो और जाओगे भी मेरी मर्जी से, से कोई जा सकता और इनके में रहना है तो इनके जैसे रहना पड़ेगा। और सिंह इसी चीज की शिकार है मुझे भारती सिंह के लिए आज गुस्सा नहीं आ रहा मुझे दुख नहीं हो रहा मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा है कि कहीं ना कहीं इनके जैसा होने के लिए सलमान खान जैसे होने के लिए खान गैंग में शामिल होने के लिए कि बॉलीवुड में आप ये देखो बिग बॉस के हर शो में कॉमेडी शो होता है जिसमें भारती सिंह को भेजा जाता है स्पेशल गेस्ट भारती सिंह दिवाली का स्पेशल प्रोग्राम बाई भारती सिंह क्यों भाई ऐसा क्यों ऐसा तो नहीं है ना और नहीं आप राजू श्रीवास्तव को तो नहीं भेजते कभी क्यों भाई राजू श्रीवास्तव बिहार यूपी के इसलिए नहीं भेजते कि वो आपके जैसा नहीं हो पाया इसलिए नहीं भेजते क्योंकि आपके साथ बैठ के वो चरस नहीं फूकता है आपको नहीं, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके साथ बैठ के आप जैसा नहीं हो पाया तो ये उसी को प्रमोट करते हैं जो इनके चीजों में लुप्त होता है इनके इनके रंगों में रंगता है जैसे योगी जी ने फैसला लिया था फिल्म सिटी को नोएडा में ट्रांसफर करने के लिए तो बहुत सही फैसला यहाँ माना जा रहा है उनका क्योंकि बॉलीवुड में जिस तरीके से ड्रग के केस सामने आ रहे हैं मुझे नहीं लगता ठाकरे था, जी कोई संज्ञान इसमें ले रहे हैं तो चुप्पी का क्या कारण हो सकता है इसमें और क्या बॉलीवुड को सच में ही यूपी में कन्वर्ट कर देना चाहिए अब यूपी में ट्रांसफर करना चाहिए कहते हैं ना वो दूसरे के घर जिनके खुद के घर कांच और शीशा के हो ना दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारते नहीं। तो उद्धव जी क्या संज्ञान लेंगे उनके बेटा जो उनका खुद का बेटा है नशे में धुत रहता है बॉलीवुड के स्टार्स और बॉलीवुड के एक्ट्रेस के साथ चाहे वो दिशा पटनी हो चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो उनके साथ इनका बेटा आदित्य ठाकरे घूमता मिलता है चाहे वो मर्सरीज हो चाहे वो बी हो पैसे की तो कमी है नहीं चीफ मिनिस्टर के औलाद है बैठ जाते हैं नए नये एक्टर जो हमारी बॉलीवुड की हीरोइन है वो भी बिछ जाती है की भाई भाई चीफ मिनिस्टर के बेटा के साथ घूम रहे हैं हमें तो मूवी में मिली जाएगी काम

का आर नहीं पता इनको और इनको अभी बहुत अपने अच्छे अगर ये चाहते हैं अपनी राजनीति खुद छोड़ देना चाहिए क्योंकि इनको लगता है इनके पिताजी के दिखाए हुए कदम पे चल रहे बिल्कुल नहीं चल रहे अपने पिता का नाम इन्होंने अभी तक कहूं तो बहुत ज्यादा तारोतार कर दिया है बदनाम कर दिया अपने पिता के बनाए हुए एक एक चीज का चाहे उनके आइडियोलॉजी हो चाहे उनके बनाए हुए हुए दिखाए कदम हो सबका उन्होंने नाम मिट्टी मिट्टी नाम मिट्टी मिट्टी में में मिला मिला दिया दिया अपने खानदान का तो अभी भी वो अपना मंत्री पद छोड़ दे और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन लागू हो क्योंकि इस तरह की चीजें हो रही है अभी एनसीबी आई है आगे और भी डिपार्टमेंट आएगी और इसकी जब जांच पड़ताल होगी तो बहुत कुछ निकलेगा अभी तो शुरुआत है कौन कहता है सुशांत को इंसाफ नहीं मिला मैं तो कहती सुशांत एक ऐसा आत्मा है जिसने जिसके जाने से वो रहकर शायद उन्होंने जो चीज नहीं कर पाए उनके जाने से जो चेंज आ रहा है ना उस दिन से जो शुरुआत हुई है एक नया भारत का आगाज हो रहा है नए हिंदुस्तान नया महाराष्ट्र का बदलाव आ रहा है चाहे वो दिल्ली हो मुंबई हो कहीं देखो हर चीज में एक कहीं ना डर है भारत के हिंदू जागे हैं ये सुमन पांडे जी का यही कहना है सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल रहा है क्योंकि जिस तरीके से आ, ड्रग एंगल सामने आ रहा है और जिस तरीके से ये बड़े बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं ड्रग एंगल में तो ऐसा लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से ही उन्हें इंसाफ मिलता जा रहा है आप इस पर क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए देखते रहिए दराज